स्वीडन की डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बश ने एक स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट नहीं, वो आप समझ लें कि एक वार्निंग है। स्वीडन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल स्वीडन बल्कि पूरे यूरोप में एक भूचाल ला दिया। स्वीडन में जो कुछ हुआ है ये तो मुसलमानों के लिए बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्वीडन में इस्लाम को स्वीडिश मूल्यों के अनुकूल होना पड़ेगा। अगर कोई मुस्लिम समुदाय स्वीडिश संस्कृति और मूल्यों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकता तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। एबा बुश ने ये भी कहा कि महिलाओं को पत्थर मारना और शरिया कानून का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने बड़े कड़े अल्फाजों में कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को स्वीडिश वैल्यूज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब ये सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी स्वीडन के अंदर। अगर मुसलमानों को स्वीडन के अंदर रहना है तो हमारे लॉज को, हमारे कानून को मानना पड़ेगा। अदरवाइज मुसलमानों की यहाँ पर किसी किस्म की कोई जगह नहीं है, वरना वो जा सकते हैं। जो है ना गेट आउट पाकिस्तान का जो ट्रेंड चलता है वो बिल्कुल ठीक चलता है। नारे यहाँ पे लग रहे हैं कि से नो टू इस्लाम, स्वीडिश जबान में वो लगा रहे हैं नारे के इस्लाम को स्वीडन से निकालो। तो ये हर जगह पे हो रहा है, इस तरह के मुजाहरे जर्मनी में भी हुए हैं, फ्रांस में भी हुए हैं, हर जगह पे हो रहे हैं, और सिर्फ नारे किनके खिलाफ लग रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ। जितने भी मेजर इस्लामिक मुल्क हैं उन तमाम में नरेंद्र मोदी साहब मंदिर बनाना चाहते हैं, ठीक है। एंड Did a start. उन्होंने start कहां से लिया है? UAE से। क्या ये इस्लामोफोबिया है या फिर हमारी अपनी उल्टी हरकतें हैं जिनके बाद हमें पूरी दुनिया से निकाला जा रहा है? इनकी डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बश ने एक स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट नहीं, वो आप समझ लें कि एक वार्निंग है। उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को स्वीडिश वैल्यूज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना वो जा सकते हैं। अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने का तरीका सीख लो, अदरवाइज गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, तो बहुत सख्त अल्फाज होंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमान ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से स्वीडन की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। अब ये एक और हमें वेव नज़र आ रही है आफ्टर यूके। वैसे तो ये सवाल बहुत, जैसा मैंने कहा कि इसको तो कुछ डेकेड हो गए कि ये सवाल कई कंट्रीज़ में उठाया जाता है, और ये एक इशू बन चुका है, टॉपिक बन चुका है जिसके ऊपर अब डिबेट होती है कि आखिर क्या वजह है कि तमाम ही कंट्रीज़ जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हो गए हैं और मुसलमानों के मुतालिक ये वाली बातें की जा रही हैं। तो इसके ऊपर ज़रा गरेबानों में झांकने की भी ज़रूरत है अपने कि ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है। देखिए, एक कंट्री में ऐसा हो तो आप कहें वो गलत है, हमारे खिलाफ है, लेकिन अगर सारा वेस्ट और भी दुनिया की कई एक कंट्रीज़ ये कहती भी नज़र आती हैं कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो इंटेग्रेट होने को तैयार नहीं होते, वो बहुत वायलेंस फैलाते हैं, तो इसके ऊपर फिर नज़र डालने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हम स्वीडन तक रहेंगे, और स्वीडन की डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप वैल्यूज़ अडॉप्ट करें और वरना यहाँ से चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि व्हाट आर यू डूइंग विद स्वीडन, आप स्वीडन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन्होंने स्वीडन की डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बश ने ये कहा है मुसलमानों को, स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को, कि तुम लोग स्वीडन को तबाह कर रहे हो, ये तुम लोग स्वीडन के साथ क्या कर रहे हो। और साथ में उन्होंने कहा कि उनको और उनकी जो कम्युनिटी, यानी जिनका वो मुल्क है वहाँ के रहने वाले, वो ऑप्रेस्ड फील करते हैं, उनको ऑप्रेस किया जा रहा है कि या तो हमारे जैसे बन जाओ या फिर यहाँ से निकल जाओ। और ये कौन कर रहा है? ये मुसलमान कर रहे हैं वहाँ के। बात यहाँ तक पहुँच गई, उनका ये कहना है कि उनको जो है ये किया जा रहा है, उन हरकतें वहाँ पे हो रही हैं, और जिसकी वजह से अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ पे हर जगह पे इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। अब ये स्वीडन के लोग निकले कल और उन्होंने नारे लगाए कि इस्लाम को हमारे मुल्क से निकालो। ये नारे यहाँ पे लग रहे हैं कि से नो टू इस्लाम, स्वीडिश जबान में वो लगा रहे हैं नारे के इस्लाम को स्वीडन से निकालो। तो ये हर जगह पे हो रहा है, इस तरह के मुजाहरे जर्मनी में भी हुए हैं, फ्रांस में भी हुए हैं, हर जगह पे हो रहे हैं, और सिर्फ नारे किनके खिलाफ लग रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ लग रहे हैं, वो निकालो यहाँ से। चूंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं हर जगह पे, जहाँ पे जाते हैं गंदे काम करते हैं, अपनी औरतों के साथ लेके नहीं गए हुए, ये सिर्फ एक पार्टी बनाई हुई है इन्होंने। और अभी एक वीडियो किसी ने रिलीज की कि आप देखें किस तरह उनके, ये आयरलैंड में ये ड्रोन फुटेज कि ये उन्होंने माइग्रेंट्स को रखा है।
ये माइग्रेंट्स का कैंप है और इसके अंदर उन्होंने तकरीबन कोई हजारों के करीब माइग्रेंट्स को रखा हुआ। इस वजह से आयरलैंड में भी बहुत ज्यादा सख्ती आ रही है और लोग नारे लगा रहे हैं कि इनको इस्लाम को यहाँ से निकालो। बल्कि आयरलैंड में तो उन्होंने जिन होटलों में माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनको आग लगाने की भी कोशिश की है। तो ये पूरे यूरोप में ये काम हो रहा है और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ रहा। तो अब आप इसको देख लें, लेकिन भाई गिरेबान में इन्होंने नहीं झांकना, इन्होंने नारे लगाने इस्लामोफोबिया के, हर एक को बुरा भला कहना है, रेसिस्ट कहना है, और अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखे। जो मुसलमान वहां पर मौजूद है यानी कि स्वीडन के अंदर मौजूद है, स्पेशली पाकिस्तानी मुस्लिम्स, जो कि वहां पर पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा है, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान वहां पर मौजूद हैं वो वहां पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक हंगामा बरपा किया हुआ है वहां पर, मुख्तलिफ शहरों को आग लगा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर दंगे फसाद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें वहां पर शरिया लॉ चाहिए, और इसी चक्कर में वो स्वीडन लड़कियों पर पत्थर बरसा रहे हैं। उन्होंने बड़े कड़े अल्फाजों में कहा है कि अब ये सारी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी स्वीडन के अंदर, अगर मुसलमानों को स्वीडन के अंदर रहना है तो हमारे लॉज को, हमारे कानून को मानना पड़ेगा, अदरवाइज मुसलमानों की यहाँ पर किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी, जो जिनका ताल्लुक इटली से है, उन्होंने भी ऐसी ही स्टेटमेंट दी थी। मुसलमान वहाँ ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है, उनको चाहिए कि उनके कवानीन की पासदारी करें। वो सेकुलर मुल्क है तो उन्होंने इनको पनाह दी हुई है, अगर वो बस भी मुल्क होता, वो ईसाइत पर चलता या यहूदियत पर चलता तो इनको कभी से मार कर इनको, पहले तो इनको वीज़ा नहीं देते, इनको आने ना देते, ठीक है ना। अगर वो सेकुलर मुल्क है, लिबरल प्रोग्रेसिव सोशल डेमोक्रेट है, इंसानी बुनियादों पर वो मुल्क चल रहा है, इंसानी बुनियादों पर, मैं आपको कह रहा हूँ, तो इन्होंने इनको बना दी हुई है, इनको रहने की इजाज़त दी हुई है, वहाँ ये लोग रह रहे हैं। तो अगर ये लोग इस तरह करेंगे तो मेरे ख्याल से उनकी इनकी इन पर पाबंदी लग जाएगी, अगर ऐसे ही रखते ये करते रहेंगे। सर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। देखिए आज पूरी दुनिया में कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है, वो क्यों कहा जाता है? आप देख लें ये मुसलमान रखते हैं, ये मुसलमान जो ना, मैं आपको बताता हूँ असल सवाल पता क्या हो रहा है कि ये मुसलमान अब रहे नहीं है, ये कोई सिया बन गया है, कोई सुन्नी बन गया है, कोई देवबंदी बन गया है, कोई अहले हदीस बन गया है, कोई ना नहीं क्या क्या बन गया है। ये मुसलमान तो अपने को खुलवाते ही नहीं, ये कहते हैं मैं दी देवबंदी मुसलमान हूँ, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, मैं शिया मुसलमान हूँ, यानी कि ये मुसलमान तो अपने खुलवाते नहीं, ये फिरके वाली तो बंदे हुए हैं, और ये फिरके आपस में एक दूसरे के बड़े दुश्मन है, ये मैं आपको बता दूँ। और वो मालक में जितनी भी जंगे आपस में चल रही है ना, वो फिरका वारियाँ भी जंगे चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद। स्वीडन में रहने के लिए तुम्हें तो बच्चे भेजने हैं, तुम्हें वहां की लड़कियों से शादियां करनी है, तुम्हें वहां पे घर बसाने हैं अपने। लोग इस्लाम की खरीद फरोख्त करते हो, ये तुम्हारी असल में औकात, ये मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं। तुम प्रॉफिट मोहम्मद के नाम को एक ATM की तरह इस्तेमाल करते हो, ये पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए बोल रहा हूं मैं, पाकिस्तानियों मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं।